Hi, good morning everyone. Welcome to Nifty Morning Bell with Sharad. Today is 3rd of August. It is 6 a.m. sharp. So we wanted to do this show yesterday, could not do it somehow. So we tried that we should be doing this show early morning so that the YouTube videos are also uploaded in time. So let's see that how the data has shaped up for Nifty and Bank Nifty for today and what should be the price anticipation, price action which we should anticipate today. तो देखते हैं अगर जो हमने निफ्टी मॉर्निंग वेल विद शरद में फ्राइडे के लिए शेयर किया था, वो शेयर किया था कि 30th ऑफ जुलाई को जो जिसमें कि हमने मंथली एक्सपायरी देखी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स की, उसमें हमने देखा था कि एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को एफआई की तरफ से मिली थी और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी देखने को मिली थी, बट शॉर्ट कवरिंग इंडेक्स फ्यूचर्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बड़ी हमको देखने को मिली थी, और इसके अलावा हमें लॉन्ग पुट अनवाइंडिंग देखने को मिली थी ऊपर के लेवल पर। तो हमने क्या शेयर किया था, हमने शेयर किया था कि जो ट्रेड सेटअप हमने शेयर किया था, और शेयर किया था कि 11,215 11,255 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर करीब 11 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट था। यहाँ पर लॉन्ग पुट कवर किया था एफआईआई ने, लेकिन जो 11,095 11,125 का सपोर्ट था बेसिकली थोड़ा वीक था बिकॉज कॉल राइटर्स यहाँ पर बहुत स्ट्रांग थे। तो हमने शेयर किया था कि एफआईआई ने चूंकि शॉर्ट कवरिंग की है, हो सकता है लॉन्ग बिल्डअप करें और ये आपको सपोर्ट के तौर पे दिखाई दे। नीचे की तरफ 11,995 11,045 का 50 पॉइंट का एक फिबोनाची क्लस्टर था, जो एक एक अभी भी स्ट्रांग अभी भी एक स्ट्रांग सपोर्ट बना हुआ था और रिलेटिवली वीकर था अगर हम थर्सडे के मुकाबले देखें, बट एक इम्पॉर्टेंट बेस था बुल्स के लिए। उसके नीचे 10,091 10,915 का एक 14 पॉइंट का एक सपोर्ट था जो इंक्रीज सपोर्ट था बुल्स के लिए। क्या हमको देखने को मिला, हमने देखा कि मार्केट उसी जोन में ट्रेड करता रहा, बहुत ज़्यादा बैरिशनेस नहीं रही मार्केट में, मार्केट एक जोन में ट्रेड करता रहा। रेजिस्टेंस कहाँ से लेता रहा, रेजिस्टेंस लेता रहा 11,095 से, सपोर्ट मार्केट ने लिया 11,021 के आसपास से, 11,045 11,021 के आसपास से, और मार्केट क्लोज हुआ इसी जोन में 11,095 11,045 के जोन में ही जाकर के क्लोज हुआ। तो ये हमको देखने को मिला, थोड़ा सा बेरिशनेस रहा, मीन्स लॉन्ग उतना बनाया नहीं एफआईआई ने शॉर्ट का अपना कवर करने के बाद, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसने शॉर्ट कवर किया था, बट लॉन्ग बिल्डअप नहीं देखने को मिला 31 जुलाई को। ये समझने वाली बात है कि हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पिछले 4 फ्राइडे से एफआईआई का डेटा जो होता है बहुत वीक होता है, एफआईआई के मन मन मुताबिक काम नहीं होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्राइडेज को, तो जबकि वो थर्सडे को जो भी डेटा बनाए फ्राइडे को उनके हिसाब से एक्शन देखने को नहीं मिलता है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हमको देखने को मिला, हमने क्या शेयर किया था बैंक निफ्टी। हमने शेयर किया था कि 21815 21850 वीक रेजिस्टेंस है बुल्स के लिए, 21640 21700 स्ट्रॉन्ग टसल है बुल्स और बेयर्स का, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कॉल और पुट राइटिंग दोनों था, तो एक हमको लगा था कि शायद अगर लॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप होगा तो एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। और नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ था, 21450 21530 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था बुल्स के लिए, उसके नीचे 21190 21280 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था बुल्स के लिए। क्या देखने को मिला, हमने देखा कि 21640 21744 के ऊपर ही मार्केट क्लोज हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। नीचे कहाँ तक मार्केट गया, 21450 पर जाकर के 15 मिनट के चार्ट पे आप सामने देख रहे हैं सपोर्ट लिया, और फिर जाकर के वही 21640 के ऊपर क्लोज क्लोज लिया मार्केट ने, तो इसी जोन में मार्केट ट्रेड करता रहा। सपोर्ट कहाँ से लिया, 21450 21530 से सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ चला जो हमने पहले भी लेवल शेयर किया था। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिला। अब देखते हैं कि क्या अभी मार्केट पार्टिसिपेंट वाइज एनालिसिस हमको दिखाई देता है 3rd अगस्त के लिए। अगर हम लोग स्टॉक कैश को देखें तो एफआईआई ने 959 करोड़ का सेल किया है, डीआईआई ने 443 करोड़ का बाय किया है, ओवरऑल 560 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है। अगर हम लोग इंडेक्स फ्यूचर्स में देखें तो एफआईआई ने 30.34 करोड़ का बाय किया है, और इंडेक्स ऑप्शन में 246.24 करोड़ का बाय किया है। ये हमने देखा था कि थर्सडे को भी एफआईआई ने बाय किया था, और फ्राइडे को दोबारा एफआईआई ने थोड़ा सा और इंडेक्स फ्यूचर्स में बाय किया, इंडेक्स ऑप्शन में 246.24 करोड़ का बाय किया है। देखते हैं किस तरह का डेटा शेपअप हुआ है। अगर हम लोग इंडेक्स फ्यूचर्स में देखें तो ओवरऑल 2.72% हमने देखा है कि लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं, और 2.8% शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं।
थोड़ा सा लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बढ़ाया है एफआईआई ने, लेकिन शॉर्ट भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ाया है। हमको ये देखने को मिलेगा, ये परसेंटेज टर्म्स में शॉर्ट्स थोड़े से कम है, लॉन्ग थोड़े से ज़्यादा है। अगर हम लोग डीआईए को देखें तो डीआईए ने भी 23.40% का लॉन्ग बढ़ाया हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो मार्केट में उतनी बेरिश पोजीशंस नहीं बनी है, तो नीचे की तरफ सपोर्ट काम करेंगे। आज मंडे है, हो सकता है फ्राइडे को इसलिए भी और लॉन्ग लॉन्ग मिड एफआईआई ने नहीं किया, क्योंकि फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे रहता है, किस तरीके की न्यूज़ अनवाइंड होती है, मार्केट में कोई न्यूज़ आती है तो बहुत ही स्पेकुलेटिव रहता है ट्रेड, इसलिए शायद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया फ्राइडे को। हो सकता है हमको आज मंडे को एक लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिले एफआईआई की तरफ से। अगर हम लोग इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो करीब 17% लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हैं, 19% शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हैं। अगर हम लोग लॉन्ग पुट और शॉर्ट कॉल को देखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा बिल्डअप है, मीन्स रेजिस्टेंसेस पर पुट लॉन्ग किए गए और कॉल शॉर्ट की गई है एफआईआई के द्वारा, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग कॉल और शॉर्ट पुट। तो वो भी नीचे की तरफ एफआईआई ने बनाया है, तो इतना बड़ा रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ नहीं बनाया है, और थोड़ा सा इंडेक्स में भी बाय करके चल रहा है एफआईआई। तो क्या है, नीचे की तरफ सपोर्ट काम करेगा, सपोर्ट पर बाइंग आएगी और हो सकता है हमको मार्केट में रिकवरी देखने को मिले। बहुत बड़ी रिकवरी ना देखने को मिले, क्योंकि अगर हम लोग ऑप्शन चेन देखेंगे तो रेजिस्टेंसेज बने हुए हैं, लेकिन एक थोड़ी सी रिकवरी हमको देखने को मिल सकती है। बहुत बड़ी गिरावट तभी आएगी जबकि हमको अपने सपोर्ट्स टूटते हुए दिखाएंगे। कौन से सपोर्ट्स, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो हमको क्या देखने को मिला है, स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई ने क्या किया, 629.1 करोड़ का सेल किया है और 255.69 करोड़ का बाय किया है। तो अगर इस डेटा को हम देखें तो ओवरऑल डेटा के साथ क्लब करके देखें तो लॉन्ग पोजीशन 0.68% इंक्रीज की है, शॉर्ट पोजीशन 3.21% इंक्रीज की है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई ने शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप किया है। अगर हम लोग स्टॉक ऑप्शन में देखें तो 121.38% लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड किए हैं, 111.11% पोजीशन शॉर्ट साइड पे बिल्डअप किए हैं, मीन्स कहीं ना कहीं हमको कॉल बाइंग और पुट शॉर्ट करते हुए एफआईआई दिखाई दिए हैं। और लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में एक सेल बना हुआ है, तो ऑप्शंस के थ्रू एफआईआई लॉन्ग करके स्टॉक्स को चल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर्स में सेल करके चल रहा है, मीन्स हमको एनएससी एफएनओ स्पेस में एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस स्टॉक में दिख सकता है। लेकिन समझने वाली बात क्या है, आप अगर देखें तो निफ्टी का पीसीआर केवल 1.31 है, इंडिया विक्स 24.46 है। तो ये जो जो दोनों फिगर्स हैं दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं हमको इंडिया विक्स में विचेवर वे सपोर्ट है, तो ये बुल्स में अभी कोई इतनी घबराहट नहीं है। पीसीआर दिखाता है कहीं ना कहीं पुट राइटिंग हमको नीचे के सपोर्ट लेवल्स पर दिखाई दे सकती है और हमको मार्केट ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम लोग इंडेक्स ऑप्शन का पीसीआर देखें तो 0.94 है, कहीं ना कहीं दिखाता है कि पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स में एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है। यहाँ पर पुट राइटर्स नीचे की तरफ अपनी पोजीशन और बना सकते हैं। स्टॉक ऑप्शन के पीसीआर की पोजीशन थोड़ी खराब है, जो दिखाता है कितनी ज़्यादा कॉल राइटिंग है ऊपर की तरफ। अगर हम लोग एफएनओ का ओवरऑल पीसीआर देखें तो केवल 0.991 है, मींस कहीं ना कहीं पुट राइटर्स के लिए एक अच्छी जगह नीचे की तरफ बनती है, नीचे की तरफ सपोर्ट बनाया जा सकता है। अगर हम लोग अब हम लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं 3rd of August के लिए निफ्टी का, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा लेवल 11,100, 11,150 जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। तो अगर आप देखें 11,095, 11,125, यहाँ पर क्या हुआ है, 21 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट हो गया है, 12.72 लाख कॉल का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, 15 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, पुट का ओपन इंटरेस्ट 4.11 लाख ऐड हुआ है। समझने वाली बात क्या है, 11,095, 11,125 एक रेजिस्टेंस है, कॉल राइटर्स करीब 2.74 लाख ऐड हुए हैं, लेकिन पुट राइटर्स भी 4.16 लाख ऐड हुए हैं, जो दिखाते हैं कि पुट राइटर्स भी पोजिशन छोड़ने को तैयार नहीं है। वीकली एक्सपायरी थर्सडे को है, तो ये समझने वाली बात है, ये सब वीकली एक्सपायरी का डेटा हम शेयर कर रहे हैं। पुट राइटर्स भी इस पोजीशन को छोड़ नहीं रहे हैं, वो इतना वीकनेस उनको नहीं दिख रहा है मार्केट में। वो जब तक ये पोजीशन नहीं छोड़ते हैं पुट राइटर्स, जो आज मेक और ब्रेक होगा, हमें लगता है आज का सेशन मंडे का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर यहाँ पर कॉल राइटिंग और बढ़ती है और पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस अनवाइंड करते हैं तो हमको ये एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 11,095, 11,125 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमको बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये आज ब्रेक डाउन आ जाता है ये ऊपर की तरफ और 11,125 के ऊपर मार्केट क्लोज होता है, तो यहाँ पर पुट राइटर्स अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करेंगे और फिर यही बेस हमको बनता हुआ दिखाई देगा, 11,095, 11,045 का हमको बेस बनता हुआ दिखाई देगा और ऊपर की तरफ बाजार चल सकता है।
आप अगला लेवल कौन सा है? 11,000, 11,100, 11,150, 11,200, 11,250, 33.31 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, 17 लाख कॉल का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, केवल 6.13 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पर आप देखें कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है, 11,215, 11,255, कॉल का ओपन इंटरेस्ट 11 लाख थर्सडे को ऐड हुआ था, 17.3 लाख फ्राइडे को ऐड हुआ, तो 2 दिन में ही थर्सडे और फ्राइडे को करीब 29 लाख, 28.3 लाख का कॉल को ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हमका दिखाई दिया। FII ने यहाँ पर पुट बाय किया है, इसको और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना दिया है, तो ये रेजिस्टेंस और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। मीन्स हम इस डेटा को बुलिश नहीं बोलेंगे, ये चार्ट किसी तरह से बुलिश नहीं है, ये चार्ट एंटिसिपेशन है बुलिशनेस का, क्योंकि यहाँ पर पुट राइटर्स हमने पोजिशन नहीं छोड़ी है। तो ये हम जो ग्रीन सिग्नल आपको दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली हम सिर्फ नीचे की तरफ बाय का सिग्नल दिखा रहे हैं, जो हमने सपोर्ट दिए थे वहाँ पर अगर किसी ने बाय किया होगा तो पोजिशन होल्ड कर सकता है। 10,995 के स्टॉप लॉस से पोजीशंस हम आपको क्लाइंट्स आपको होल्ड करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्लाइंट्स ने बाय किया है, यहाँ पर सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने बाय किया है और ये स्टॉप लॉस 10,995 के स्टॉप लॉस से वो होल्ड करेंगे अपना लॉन्ग। नीचे की तरफ अगर हम लोग देखें तो 11,050, 8.23 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, 3.7 लाख ऐड हुआ है, 21.62 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, 4.8 लाख ऐड हुआ है। तो देखिए पुट का ओपन इंटरेस्ट कितना स्ट्रांगली ऐड हुआ है और कितना अच्छा सपोर्ट नीचे की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 10,901, 10,950 एक इंक्रीज सपोर्ट है बुल्स के लिए, कॉल बाइंग इस लेवल पर हमको FII को द्वारा दिखाई दी है। तो देखिए नीचे की तरफ बाइंग और हमको दिखेगा एक या दो दिन में ऊपर की तरफ मार्केट आपको चलता हुआ दिखाई दे, नहीं आज तो कल हो सकता है आपको मार्केट ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई दे। समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर पुट राइटर्स की पोजीशन अगर जाती है तो ये वीकनेस और बढ़ेगी, हमको नीचे की तरफ मार्केट दिखाई देगा, तो आज का डेटा बहुत क्रुशियल होने वाला है। देखते हैं किस तरह का बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन एनालिसिस बनता है। बैंक निफ्टी हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, 21640 21700 का स्ट्रॉन्ग टसल है बुल्स और बेयर्स के बीच में। क्या देखने को मिला है, 2.91 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट, जिसमें 2 लाख फ्राइडे को ही ऐड हुआ है, 2.17 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है जिसमें 1.06 लाख फ्राइडे को ऐड हुआ है। क्या दिखाता है, ये एक स्ट्रॉन्ग टसल है। थर्सडे को फ्राइडे का FII डेटा इसमें दिखा रहा था कि एक सपोर्ट बन रहा है, लेकिन FII ने लॉन्ग बिल्डअप नहीं किया, एक ही वीक रेजिस्टेंस लेकिन बना हुआ है। क्यों वीक रेजिस्टेंस बना हुआ है बुल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी भी 2.17 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। अब नीचे सपोर्ट कहाँ है, 21450, 21530 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बुल्स के लिए। अगर हम लोग देखें 21400, 21500, 2.56 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, 4.42 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये बना हुआ है। ये सारे फिबोनाची क्लस्टर्स हैं, ये ऐसे ही खींची हुई लाइंस नहीं है, ये सारे फिबोनाची क्लस्टर्स हैं जो हम आपसे डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में, और स्ट्रांगली काम करते हैं। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ है, 21850, ये एक वीक रेजिस्टेंस है बुल्स के लिए। कहाँ पर है, अगर देखें 21800, 21900, 2.14 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट, केवल 0.63 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, कॉल राइटर्स अपनी पोजिशन और स्ट्रॉन्ग की है, एक वीक रेजिस्टेंस है बुल्स के लिए। क्यों, क्योंकि अभी भी मेरे ख्याल से पुट राइटर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये पोजिशन अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। नीचे की तरफ सपोर्ट हमने डिस्कस किया, हमने देखा कि फ्राइडे को यही सपोर्ट काम किया था, तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स ने अपना लॉन्ग बनाया होगा, यही स्टॉप लॉस लेकर के 21450 चल रहे होंगे। अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है तो सीधे सीधे 21815, 21850 के लिए प्ले करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट डेटा है ये लेवल 21640, 21700। अगर आज की डेट में यहाँ पर कॉल राइटिंग बढ़ती है, यहाँ पर हमको कॉल राइटिंग बढ़ते हुए दिखाई देती है, पुट राइटर्स अपनी पोजिशन छोड़ते हैं, तो ये आपका रेजिस्टेंस बन सकता है। तो आज का डेटा मेक और ब्रेक होने वाला है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू हमारी तरफ से, कि आज थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट मेक और ब्रेक है बुल्स के लिए। 21640, 21700 का जो रेजिस्टेंस है वो बैंक निफ्टी के ऊपर, और 11,095, 11,125 का रेजिस्टेंस जो निफ्टी के ऊपर है। अगर वहाँ पर पुट राइटिंग आज डिक्रीज होती है, कॉल राइटर्स अपनी पोजिशन इम्प्रूव करते हैं, तो आपको वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर उसका ब्रेकआउट आता है ड्यूरिंग द डे, FII अपना लॉन्ग बिल्डअप करते हैं, तो वह उसका ब्रेकआउट आएगा, और ब्रेकआउट आएगा तभी आप लॉन्ग अपने आपको क्लाइंट्स और सारे पार्टिसिपेंट्स कैरी करते हुए दिखाई देंगे, अदरवाइज लॉन्ग अनवाइंडिंग उसी जगह पे हो जाएगी जो लॉन्ग उन्होंने फ्राइडे को बिल्ड किए थे नीचे के लेवल्स पर। तो ये है आज का व्यू। आप जानते हैं हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजर 1 ईयर प्लान, 3 ईयर प्लान अपने क्लाइंट्स को देते हैं,
ये 1 करोड़ प्लस के इन्वेस्टमेंट्स हमारे अल्ट्रेशन आई क्लाइंट्स कर सकते हैं। 10 to 15 स्टॉक्स का NSE 500 यूनिवर्स से पोर्टफोलियो बनाते हैं उनके लिए, और एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं 3 ईयर्स के होराइजन से। एक अल्फा और हेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इंडेक्स और ऑप्शन डेरिवेटिव के ट्रेड्स के थ्रू। इसकी डिटेल्स के लिए आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर आकर डिटेल्स देख सकते हैं। फिक्स फीस बेसिस पर भी हम लोग अल्ट्रा एच एन आई क्लाइंट्स को एडवाइजरी देते हैं। आप एक स्टॉक और म्यूचुअल फंड का डायनेमिक पोर्टफोलियो हमारे साथ बना सकते हैं। 3 to 4 वीक्स की होल्डिंग पीरियड से स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनता है। आप इसके लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। रिटेल क्लाइंट्स भी अपना एक 5 से 8 स्टॉक का पोर्टफोलियो हमारे साथ बना सकते हैं। 1-2-5 लाख तक इन्वेस्टमेंट अपना रखना चाहें रख सकते हैं। 3 से 4 वीक का होराइजन हर स्टॉक का रहता है। बहुत ईजी एडवाइजरी है। 8500 का एनुअल फीस है इंक्लूडिंग GST। तो ये हमारी एडवाइजरी है, आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप हमारा फॉलो कर सकते हैं। ये प्राइवेट चैनल नहीं है, पब्लिक चैनल है, इसको आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च करके आपको बहुत अच्छे व्यूज़ इस पर हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। आप हमारी 16,000 प्लस की जो SME की फैमिली है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन और टेलीग्राम पर आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे हमारे QR कोड्स दिए हुए हैं, आप अपने मोबाइल से, स्मार्टफोन से QR कोड स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वेबिनार, थैंक्स फॉर फॉलोइंग शरद मिशन एसोसिएट्स, कीप फॉलोइंग, हैव अ नाइस ट्रेडिंग डे टुडे।